हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू विल फाइन। तो दोस्तों, आज मैंने देखा अजय देवगन स्टारर अपकमिंग फिल्म जिसका नाम है भोला। अब यार, भोला की खास बात यह है कि इसमें एक्टर भी अजय देवगन है और इसको डायरेक्ट भी अजय देवगन ही कर रहे हैं। जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये तमिल मूवी केथी का ऑफिशियल रीमेक होने वाला है। अब केथी के डायरेक्टर अलग हैं और ये जो भोला मूवी आ रही है इसके डायरेक्टर खुद अजय देवगन हैं। अब यार, अजय देवगन के डायरेक्शन की बात करें तो यार मैं उनसे कुछ खुश भी होता हूँ और थोड़ा सा डर भी लगता है। अब जैसे कि अजय देवगन की सबसे पहली फिल्म आई थी शिवाय, उसके डायरेक्शन में 1% भी कुछ कमी नहीं है। उसका फर्स्ट हाफ भी एक एंगेजिंग था, थ्रिलिंग था, लेकिन सेकेंड हाफ को इतना लंबा खींचा गया था कि ऑडियंस थक चुकी थी देख देख कर। ऐसे ही हुआ था उनकी दूसरी डायरेक्शन में बनी फिल्म रनवे 34 में। अब यार, उसका भी डायरेक्शन में 1% भी कोई कमी निकालने वाला है ही नहीं। मतलब एक बॉलीवुड वाली वाइब दे रहा था उसका डायरेक्शन, और उसका भी फर्स्ट हाफ जो था एक थ्रिलिंग था कि आगे क्या होगा। लोग बैठने के लिए इंटरवल के बाद बैठी रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद उसको भी इतना लंबा खींचा गया कि बाकी आपको पता ही है दोनों फिल्मों को रिस्पॉन्स क्या रहा। लेकिन अब फाइनली ये तीसरी फिल्म आ रही है अजय देवगन के डायरेक्शन में, जो कि ये खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्टर भी और डायरेक्टर भी। बस इस फिल्म के साथ ऐसा ना हो यही हम दुआ करेंगे, और बाकी फिल्म कैसी बनेगी वो तो आपको हम देखकर बता ही देंगे। फिलहाल टीजर की बात करते हैं। इस टीजर में इतना कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन जो भी दिखाया गया है ना वो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए बहुत है, बहुत। अब इसमें थोड़ा सा इमोशनल सीन भी दिखाया गया है, जैसे कि छोटी बच्ची से टीजर स्टार्ट होता है, फिर टीजर में बोला जाता है कि सुबह तुमसे मिलने कोई आ रहा है, जल्दी खेलना मत, सो जाना जल्दी, इस तरीके से। लेकिन जो जेल के बीच में अजय देवगन का लुक दिखाया गया है, पैरों के नीचे से कैमरा निकलता है और कैमरे में किताब दिखती है और किताब में जो लिखा हुआ आता है, मतलब इसमें कुछ भोला शंकर की छवि जो दिखाई गई है उसके हिसाब से टीजर ने घूसबम ला दिए। और ऊपर से खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि KGF के म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने जो दिया है, उसने टीजर में और भी ज़्यादा जान डाल दी। फिलहाल यार, बस टीजर में एक कमी लगी है कि अजय देवगन का लुक नहीं दिखाया गया, लेकिन वो जो मत्थे पर लगाते हैं वहाँ पर जो एक रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग आती है ना, वो तो बस कयामत आ गई यार, छा गया, मतलब खतरनाक। टीजर हर तरफ से खतरनाक है। लास्ट वाले सीन देखकर तो आपके होश ही उड़ गए होंगे कि अजय देवगन कर गए रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ उनके डायरेक्शन में बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन केथी का ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन एक बात ये भी है कि ऑफिशियल रीमेक केथी का बनाना किसी के बस की बात तो है ही नहीं, क्योंकि वो एक फिल्म, एक ऐसी फिल्म है जिसको आप एक बार नहीं हर बार देखना पसंद करोगे। अब यार, अजय देवगन इसका ऑफिशियल रीमेक ला रहे हैं तो इसका मतलब इस फिल्म को भी हर कोई देखेगा और हर कोई प्यार भी देगा। लेकिन यहाँ पर दो बातें होती हैं। अब जैसे कि उनकी दृश्यम 2 मूवी आई थी, वो ब्लॉकबस्टर होने के पूरी कगार पर है और अच्छा खासा बिजनेस करेगी वो फुल वीकेंड में जब तक भी वो चलेगी। और दृश्यम 2 का जो मलयालम वर्जन था वो मलयालम में ही थी, उसका हिंदी वर्जन नहीं था, इसलिए लोग अजय देवगन की दृश्यम देखने जा भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन यार, कैथी हिंदी में अवेलेबल है, वो भी फ्री में यूट्यूब पर, तो यार इस वजह से थोड़ी सी कहानी बिगड़ सकती है। और अजय देवगन का कहना है कि 80 और 100 करोड़ के बीच में ये फिल्म बन रही है, तो यार मुश्किल ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए, क्योंकि कैथी हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री में। तो ओवरऑल देखते हैं टीजर में, मतलब टीजर खतरनाक है हर तरफ से। अगर आपको लगता है कि ये फिल्म भी दृश्यम 2 की तरह ब्लॉकबस्टर हो जाएगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो आप? मतलब यार, आप नहीं चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ूँ? प्लीज़ यार कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।